से हैं आप लोग? तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के बारे में। तो एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट अगर बात करेंगे, ये एक नई डिजिटल पुश है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसके बारे में पहले भी एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्चुअली न्यूज़ में आई थी, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक्चुअली इसके बारे में कुछ अपडेट आए थे, तो इसको डिस्कस करना जरूरी समझा यहाँ पे। तो एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिशरीज जो होती है यहाँ पे उनको कैसे मदद मिलेगी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने जो एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जो है उसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आइडिया बोल सकते हैं। तो ये देखिए, एग्रीस्टेक जो प्रोजेक्ट है इसकी फ्रेमवर्क को यहाँ पे डिसाइड करेगी, और बोला गया है कि जो एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट है ये फेडरेटेड स्ट्रक्चर होगी, और यहाँ पे जो है इसके ओनरशिप यानी कि हर फार्मर्स के जो डेटा होंगे, उस डेटा की ओवरऑल जो डेटा बेस होंगी, ये इसके ओनरशिप जो है उस स्टेट्स के पास ही रहेगी। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस यहाँ पे इंटरफेयर करेगी, स्टेट्स के पास रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सेस कर सकती है, लेकिन इसके ओनरशिप स्टेट्स के पास रहेगी, स्टेट्स के अप्रूवल के बाद से ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सेस कर सकती है। तो ये जो है फेडरेटेड फार्मर्स डेटाबेस से, तो ये गवर्नमेंट एक सिस्टम के साथ रहेगी। यहाँ पे प्राइवेट कुछ भी एंटिटीज वहां पे दखलअंदाजी नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट उसको अलाउ करे। तो यहाँ पे देखिए, काफी सारे जो प्राइवेसी होती है यहाँ पे डेटा से रिलेटेड, तो वहां पे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे उसके ओनरशिप लेगी यहाँ पे। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो फेडरेटेड फार्मर्स डेटाबेस यहाँ पे मौजूद होगी। तो पहले तो हम लोग को यहाँ पे जानना होगा कि एग्रीस्टेक होती क्या है। तो एग्रीस्टेक जो, इसके नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये पहली बात है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और डिजिटल डेटाबेस होगी, ताकि यहाँ पे फार्मर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। तो एग्रीस्टेक क्या करेगी, एक यूनिफाइड जो है प्लेटफॉर्म होगी, जहाँ पे फार्मर्स को यहाँ पे एंड टू एंड सर्विस दिए जाएंगे रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर फूड वैल्यू चेन। तो यहाँ पे बोला गया है कि फार्म टू फॉर्क कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे जब फार्मिंग की जाएगी, जो यहाँ पे उसकी सीविंग से लेके उसके हार्वेस्टिंग के, उसके मार्केटिंग से रिलेटेड, वहां से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए पूरी प्रोसेस को यहाँ पे जो है सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सेंटर की जो है एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम होगी। तो यहाँ पे देखे कि एक डिजिटल पुश दिया जाएगा, तो काफी कुछ यहाँ पे यूज होगी। यहाँ पे हर फार्मर्स को एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे, यानी कि हर फार्मर्स के पास एक नंबर होगी, और ये जो आईडी होगी, फार्मर्स आईडी होगी, इसको जो है हर फार्मर्स के जो नेशनल आईडी यानी कि आधार कार्ड के साथ उसको लिंक किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आजकल हर जगह पे देखिए आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एग्रीस्टेक, इसकी नीड क्या है, एग्रीस्टेक तो हम लोग समझ लें, इसकी नीड या फिर इसकी बेनिफिट क्या है। तो देखिए, हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि देश में, हमारे देश में कितने फार्मर्स स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ज्यादा फार्मर्स जो है स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, लेकिन देखिए उन लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी चाहे किसी भी सिस्टम से हो, यहाँ पे इरिगेशन से रिलेटेड हो गई, यहाँ पे उनके सीविंग प्रोसेस से हो गई, हार्वेस्टिंग प्रोसेस से हो गई, उनके पास बहुत ही अवेयरनेस नहीं होती है, नॉलेज भी नहीं होती है। तो ये एग्रीस्टेक क्या करेगी, एक आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक यूज करेंगी, और यहाँ पे बेटर प्राइसेस के बारे में उन लोग को पता लग सकता है। तो यहाँ पे एक जो है डिजिटल फार्मिंग टेक्नोलॉजी को प्रपोज किया गया है, ताकि यहाँ पे फार्मर्स को अलग अलग सर्विसेज दिए जा सके, यानी कि मान लीजिए कि फार्मर्स के यहाँ पे कैटल को जो है उसको मॉनिटर भी किया जा सके, कि एक पर्टिकुलर फार्मर या फिर अलग अलग जो क्लस्टर हो गई उनके पास कितने कैटल्स है। यहाँ पे ड्रोन से जो है सॉइल को एनालाइज किया जा सकता है, सॉइल के कलर, उनके टेक्सचर को एनालाइज करके उसमें कैसी कैसी पेस्टिसाइड डाला जा सकते हैं उसको यहाँ पे एनालाइज किया जा सकता है।
फार्म की येल्ड यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सकता है, तो अलग अलग जगहों पे उसके हिसाब से जो है इम्प्रूवमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो क्रेडिट है, क्रेडिट को एक्सेस करने के लिए, यानी कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कल को कुछ पॉलिसी या फिर कुछ स्कीम्स लॉन्च किया, तो उसके लिए जो बैंक ट्रांसफर है उसके अवेयरनेस को भी फार्मर्स जो है एक्सेस कर सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन हो गई, नई पॉलिसी या फिर स्कीम आ गई है, पेस्ट इन्फेस्टेशन, अगर इन्फेस्टेशन जो होती है पेस्टिसाइड कितनी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्रॉप वेस्टेज कितनी हो रही है उसको कैसे कम किया जा सके है, यहाँ पे अगर पोर प्राइस अगर उन लोग पेमेंट हो रहे एमएसपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल ले जा सकते हैं यहाँ पे, और येल्ड फॉरकास्टिंग यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हैं कि उन लोग अगर पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, आउटपुट रिटेंशन रेशियो कैसी होती है, सब कुछ यहाँ पे पता लगा जा सकता है थ्रू एक डिजिटल टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी देखा जा सकता है कि एक तो होती है कि फार्मर्स के यहाँ पे प्राइवेसी रिलेटेड इशू होती है कि बहुत सारे फार्मर्स यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से, अगर देखा जाए इंडिया में स्पेशली रूरल एरियाज में, उन लोगों के पास बहुत ही बड़ी एक जमीन है यहाँ पे, और उन लोगों ने एक उससे अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दे के रखा हुआ है, लेकिन ओनरशिप उनके पास ही है, लेकिन देखें कि जब भी उसके कैलकुलेशंस होती है तो इन जो पार्टिकुलर स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स के नाम ही आते हैं। लोग ऐसा होने लगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फार्मर के जितनी भी जमीन है उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा, और ऐसे होने से क्या हो सकता है कभी कभी एक लैंड सीलिंग लिमिट अगर एक्सीड हो गई तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ कुछ लैंड को एक्सक्लूड भी किया जा सकता है और उससे जो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पे डिजिटल एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में हम लोग डेवलप्ड देश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अभी भी बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से ही होती है। अगर यहाँ पे किसी को लोन भी दे के भी रखा हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी है, तो उसको जो है बहुत फार्मर्स को पता भी नहीं है, उन लोग जो है बहुत टाइम से एक प्रोसेस से चलती हुई आ रहे हैं और उनको ही उन लोग पसंद करते हैं, तो एक डिजिटली ट्रांजिशन जो है कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इन नटशेल अगर इसको डिस्कस करें कि मेनली यहाँ पे देखें कि जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा एग्री स्टैक के थ्रू, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स होंगे, यहाँ पे प्रोफाइल होगी लैंड से रिलेटेड, प्रोडक्शन डिटेल्स होगी और फाइनेंशियल डिटेल भी मौजूद होगी। यहाँ पे बेनिफिट्स किन को मिल सकता है कि जो भी फॉर्मल क्रेडिट हो गए फार्मर के उनको बेनिफिट्स मिलेंगी, ताकि यहाँ पे बेटर क्वालिटी इनपुट हो सके, जब क्वालिटी इनपुट होगी आउटपुट भी अच्छी होगी, एक स्मूथ मैकेनिज्म फॉर द मार्केटिंग एंड प्राइस डिस्कवरी, यानी कि कितने प्राइस उनको लगानी चाहिए, यहाँ पे मंडीज या फिर मिडिलमैन की प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हो सकती है कभी कभी। कुछ कुछ इश्यूज अगर बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्टेशन नहीं हो सकती है, उससे क्या हो सकता है कि फार्मर को बहुत चीजों के बारे में पता नहीं भी लग सकती है कि क्या चेंजेस आ चुकी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी किए जाएंगे एक एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम के हिसाब से किए जाएंगे, तो फार्मर्स की यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी या फिर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी प्रश्न आती है, यानी कि मान लीजिए कि फार्मर्स को पता नहीं हो सकता है कि उन लोगों ने एक पर्टिकुलर जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से प्राइस जो है अचानक अगर चेंज हो गई है तो उनको ये नहीं पता लग सकता है कि उसका डिमांड के ऊपर भी क्या इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हार्वेस्ट रिलेटेड इंसेंटिव्स हो गए या फिर डेटा रिलेटेड प्रोसेसिंग हो गए, फाइनेंशियल गेन हो गए, तो फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में भी फार्मर्स को कुछ पता नहीं हो सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली फार्मर्स के जो एक ट्रेडिशनल प्राइवेसी मेथड डेफिनेटली वो इम्पैक्ट होगी यहाँ पे, लेकिन ये इम्पैक्ट इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आने वाले टाइम में भले ही ये डिजिटलाइज हो जाए कुछ दशकों के बाद ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अभी के हिसाब से बहुत सारे फार्मर्स पसंद नहीं भी कर सकते हैं कि उनके डिटेल यानी कि उनके पास जो भी रिसोर्सेस है उनके डिटेल सरकार के पास भी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे कभी कभी आधार लिंक फेलियर भी दिखाया जा सकता है एक डिलीवरी सिस्टम, अक्सर आप लोगों को मिले होंगे कि जब लिंक करने के टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे एल्गोरिथम बेस्ड जो प्रॉब्लम होती है ये क्या हो सकते हैं फार्मर्स के एजेंसी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ कुछ रिकमेंडेशन भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करेंगे अगर लीडरशिप ऑफ द फार्मर ग्रुप्स को इंक्लूड करने की बात हो रही है, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को किस तरीके से यहाँ पे उसको जो है रेगुलराइज किया जा सके, वहाँ पे उसको एक सिस्टम या फिर नीड के हिसाब से उसको रेगुलेट करने की बात की गई है। यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे एक स्टडी टीम होनी चाहिए, ताकि फार्मर्स की यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है
कंप्लीट यानी कि सीविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक उसको एडवोकेसी किया जा सके, और ये एक स्टडी होनी चाहिए ताकि डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी होनी चाहिए और डिजिटल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर ये जो एक प्रोसेस है, तो अगर बात करेंगे नीति आयोग की एक पॉलिसी भी है ऑन नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ट्रेड कॉमर्स, तो ये एक एक्ट जो है 2020 में लाया गया था। तो एक्चुअली बात करेंगे तो यहाँ पे फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात कई बार किया जा चुका है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के थ्रू, यहाँ पे डिजिटली एग्रीकल्चर के थ्रू फार्मर्स के हर डेटा को मौजूद रखा जाएगा और उनको एक प्रोवाइड किया जाएगा एक यूनिक फार्मर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट। तो फार्मिंग को यानी कि एग्रीकल्चर को एक डिजिटली पुश दी जाने की बात की जा रही है। तो आने वाले टाइम में ऐसे प्रोसेस को और भी जो है, अगर उनमें कुछ कुछ अपडेट्स आए, अभी चेंज आए, तो डेफिनेटली हम उसको कवर बिल्कुल करेंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए, स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।